तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में हम एरे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे फॉर्मूला आखिर किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए हम एरे में इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एरे का यूज हम कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, तो हम बात करते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम डेटा को एरे फॉर्मेट में कैसे स्टोर करेंगे। तो एक चीज जान लीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 1, 2, 3, 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम इक्वल करके कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 करके भी लिखेंगे और एरिया को कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे तो पूरा एरिया हमारा उल्टा लिखेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, तो चलिए इसका बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोड है और यहाँ पे मेरे पास सिटी है, तो सिटी में मैं पटना से स्टार्ट करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ, ऊपर कस्टम लिस्ट बना होगा। और यहाँ पे कोड है, ये मान लीजिए कोड है, मैं यहां पे कोड लिखना चाहता हूं और यहां पे इसका सिटी ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम इसके लिए वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं कि वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिए, कॉमा 2, 0 कर लिया, रिजल्ट हमारे पास। लेकिन बात यह है कि इसके लिए मुझे इस डेटा को यहाँ रखना पड़ रहा है, मैं इस डेटा को नहीं रखना चाहता। तो क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे इसको नहीं रखना चाहता, तो क्या करें इसके लिए? इफ फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इफ कई कई सारे इफ लगाने पड़ेंगे। तो हम अपना जो हमारा जो डेटा है हम इसको फॉर्मूले के अंदर भी रख सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कर्ली ब्रैकेट में मैंने मान लीजिए 2 ले लेता हूँ, हाँ इक्वल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कर दिया, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। मैं 5 को नीचे चाहता हूं तो कॉमा जो होता है वो क्या होता है वो कॉलम को सेग्रीगेट करता है। और मैं अगर सेमी कोलन डाल दूं तो वो रो को सेग्रीगेट करता है, तो 5, 6, 7, 8 और कर्ली ब्रैकेट। देखिएगा जहां से हमारा कॉलन डला हुआ है वहां से टूट के ये रो बन जाएगा, तो 4 के बाद नीचे आ जाएगा। तो सेम उसी तरह से मुझे अगर लुकअप में इसी चीज को यूज करना हो डेटा को, तो कर्ली ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 6, 2, 1 दे दिया और फिर सेमी कॉलन दिया
622 मुजफ्फरपुर, फिर सेमी कॉलन 154 स्टार्ट, इस तरह से लिख सकते हैं। कले वाले क्लोज किया कॉमा टू कॉमा जीरो, अब मैं यहां पे एंटर मारूंगा तो देखिए मुजफ्फरपुर आ गया। आ गया। अब प्रॉब्लम में आता है कि यहां पे लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इस चीज को रख सकते हैं नेम मैनेजर में। हम यहां जाएंगे डेटा के अंदर में, और डेटा के अंदर डेटा नहीं है फॉर्मूला के अंदर में डिफाइन नेम में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं डेटा का हेडिंग दूंगा, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हमने जो चीज हमने वीलुकअप लिख रखा था वो चीज यहाँ पे लिख देंगे एंड ओके करेंगे। अब मुझे अगर मान लीजिए लगाना हो कहीं पे से 652 के लिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वीलुकअप, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे डेटा दे दूंगा कॉमा टू कॉमा जीरो, यहाँ पे डेटा आपका आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वी हैव द लिस्ट जो कि काफी ज्यादा है, जैसे कि आईडी यहाँ पे 100 से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पास लिस्ट जो है वो 50-60-70 लोगों का लिस्ट है, 135 ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो रहने दे कोई दिक्कत नहीं। और मैंने यहाँ पे नेम लिस्ट दे दिया, अब इसको एक एक करके नाम में टाइप करना, और यहाँ पे और भी कॉलम्स हो सकते हैं तो दिक्कत हो गया। तो इसका एक तरीका है, इसके लिए हम थोड़ा सा वर्ड का भी हेल्प लेंगे। एमएस वर्ड में जाते हैं, और मैं यहाँ इस पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट की जगह पे पेस्ट स्पेशल और इसमें अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेस्ट पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे देखिए मुझे करना क्या है, मुझे जो ए आईडी और नेम के बीच में जो गैप है इस पे इस गैप को रिप्लेस करना है कॉमा, और जो नेम और 100 के बीच में जो गैप है उसको सेमीकॉलन। हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, और यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन आता है, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ स्पेशल में जाएंगे तो आपको दिखेगा टैब करेक्टर, क्योंकि इन दोनों के बीच को टैब करेक्टर माना जाता है, तो टैब करेक्टर को हमने कॉमा से रिप्लेस कर दिया। अब मैं इनको इनके बीच में इसको पैराग्राफ मार्क बोला जाता है, तो स्पेशल करेक्टर में मैं यहाँ पे पैराग्राफ मार्क सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन कर दूंगा और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा हम वर्ड में नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एक्सेल में, क्योंकि वर्ड का इन्वर्टेड कॉमा और एक्सेल का इन्वर्टेड कॉमा अलग अलग। चलिए वापस आते हैं डिसीट पे, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी ये क्या लग रहा है बोर्ड का कॉपी, मैं सिलेक्ट कर
कैसे करेंगे इसको? चलिए तो मैं कंट्रोल एच करूंगा और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो कॉमा है वो कॉमा रिप्लेस हो जाए यहां पे कॉमा और स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा से। ओके, हमने बोला कि जो इसकी सेमी कॉलन है इस सेमी कॉलन स्टार्ट हो जाए क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा एंड सेमी कॉलन से। इन्वर्टेड कॉमा लग गया है, इसमें एक दो में नहीं लगा है तो आप उसको मैनुअल लगा दीजिए। क्या हो गया? और यहाँ सेमी कॉलम फालतू में पड़ा है उसको हटा देते हैं। स्टार्टिंग में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एंड में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। और फिर हम जहां हमने नेम डिफाइन नेम मैनेजर में जाते हैं मोबाइल में जाते हैं, यहाँ पे माफ कीजिए फॉर्मूले बार में, और यहां हम डेटा वन कर देते हैं और यहां हम जैसे कि हमने डिलीट करना था डिलीट करते अब ना जो हमने कॉपी किया है उसको यहां पेस्ट कर देते हैं। अब मैं यहां पे 120 डालता हूं और यहां वी लुकअप में हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेटा डेटा वन है ना, हाँ डेटा वन and comma 24 column 04 exact। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? कहीं आपको चाहिए तो सेम आप डेटा वन को यहां लिखें और डेटा की एरिया पर क्लिक करके यहाँ पे F2 करके एक्टिवेट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए तो आपका आ जाएगा। डाउट इसमें सर आप लोगों को? इंद्र जी, विशाल जी, विजय जी, कोई डाउट? नो सर। छोटे छोटे कैलकुलेशन को देखते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम यहां लिखा सुजीत, मुझे हर लेटर को अलग अलग करना है, कैसे करें? तो यहां पे हम लिखते हैं मिड का फॉर्मूला, मिड हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा कर्ली ब्रैकेट में लिखा 1 2 3 4 5 6 और यहां पे 1 और मैं 6 से ज्यादा एरिया को लेता हूं F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देता हूं, अलग अलग हो गया। लेकिन ये तो हमें मैनुअली लिखना पड़ा ना सर, तो मैं एक काम यहां और भी कर सकता हूं कि मैं यहां पे मिड का फॉर्मा लगाऊं, इसको सिलेक्ट करूं और हम यहां पे अगर आपको रो वाइज करना है तो मैं रो 1 से लेके 6 तक ले लेता हूं। और नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं क्योंकि रो जो है रो वाइज चलता है, इसलिए हमें नीचे तक ही ड्रैग करना पड़ेगा तो आएगा। अगर कॉलम वाइज करना है तो आपको यहां पे कॉलम का फॉर्मूला लगाना होगा, कॉलम 1 by 1 कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। यहां ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है कंट्रोल।
पहले रन कर चुका हूँ इसलिए हटाना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा एफ टू कंट्रोल से। ठीक है, तो रो का क्या पर्पस है इसको समझिए एक बार, रो का क्या पर्पस है इसको समझिए। जैसे कि हमने यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, मुझे इन नंबर्स को आपस में सम करने हैं। ठीक है, मुझे इस नंबर को आपस में सम करने हैं, तो कैसे करेंगे? इस तरह से 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 इसको सम करना है, लेकिन मुझे इसको एरे से करना है। तो इसके लिए हम यहां लिखेंगे सम का फॉर्मूला। फिर यहां पे अब कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, मिड और मिड में मैं रो एंड कॉलम समझाना चाहता हूं, इसलिए बताना होगा। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में दे दिया 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस एंड कॉमा 1 दे दिया और मिड का रिजल्ट ये आता है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया इसके लिए, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया हमने तो रिजल्ट आया। लेकिन इसको समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहां पे लूप चला, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 और लूप चलने के बाद मीट 4 बार चला और आपको यहाँ पे 4 अलग अलग रिजल्ट दे दिए, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर में कन्वर्ट हुआ और सम को 4 नंबर मिले तो 4 यहाँ दे दिए। अब इसको ऑटोमेट कैसे करें चलिए बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सम अभी इसको हाँ यहाँ पे मैं इसको एक बार ये कर देता हूँ, फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला से फॉर्मूला दे देता हूँ ताकि कंपेयरिंग करने में आपको। मैं यहां पे इसको इक्वल टू सम करता हूं, सम और फिर वापस मिड और इसको सिलेक्ट करता हूं और स्टार्ट नंबर में मैं देता हूं रो 1 से लेके। और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं। अब इसकी रिजल्ट देखें क्या, तो जब हम इसको एबुलेट करेंगे तो रो क्या कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट में से लेके 1 से 4 तक छूट जा रहा है, जो कि हमने मैनुअल यहां पे लिखा था 1 से 4, रो उसी चीज कर देता है 1 से 4। बेनिफिट क्या होता है, हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं एज पर नंबर, क्योंकि मेरे 4 डिजिट तक ही कर रहा है, लेकिन 6 हुआ तो हम क्या करेंगे कि इसको इसकी लेन के साथ कंबाइन कर देंगे, परसेंट एंड 4 की जगह पे हम लेन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रो फॉर्मूला है वो रेफरेंस लेता है और हमने कॉन्केटनेट लगा दिया तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो ये रेफरेंस होना चाहिए, तो इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला इनडायरेक्ट का, जो कि इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए क्या हो रहा है, ए सबसे पहले तो लेन चल रहा है, लेन बताता है कि भाई इसकी लेंथ 4 है, फिर 1 से 4 तक का कंबाइन होता है, लेकिन टेक्स्ट में इनडायरेक्ट उसको रेफरेंस कन्वर्ट कर देता है ताकि रो इसको रीड कर ले और 1 से लेकर 4 तक का कंटिन्यूस नंबर दे दे। तो मीट को जब कर्ली ब्रैकेट में 1 से 4 तक का नंबर मिलेगा तो मीट क्या करेगा, वो 4 बार चलेगा और 4 आपके जो नंबर्स तो उसके 4 अलग अलग सेल में तोड़ देगा, लेकिन टेक्स्ट में तोड़ेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हम करेंगे तो नंबर हो जाएगा, सम को जब नंबर मिलेगा तो सम यहां सम कर देगा, रिजल्ट आपके सामने। सर क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया गया? तो क्या है कि अगर आपने सिंगल कोड में 1, 2, 3, 5 लिखा तो ये टेक्स्ट है, इसको सम रीड नहीं करता है, तो
इसमें आप दो चीजें खाए, तो आप वैल्यू का फॉर्मूला लगा दें तो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इस पे प्लस जीरो कर दें, या इस पे आप मल्टीप्लाई बाय वन कर दें। ठीक है, ठीक ठीक है सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है सर, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने यहां पे रो क्यों लगाया इनडायरेक्ट में? तो रो का इस्तेमाल हम आगे चलेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम चल रहे थे, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसका यहां पे हम बताते हैं आपको कुछ नंबर्स के जरिए। जैसे कि हमने यहां पे नेम ले लिया और यहां पे सेल्स ले लिया, तो यहां पे नाम ड्रैग कर देते, नाम कई सारे ज्यादा ज्यादा दे देते हैं, और फिर यहां पे हम नंबर अब यहां पे मैं पूजा दे दिया। ठीक है, तो पूजा का टोटल चाहिए, तो जनरली इसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मा लगा लेंगे, जो कि मुझे इसमें से बताएगा कि इस रेंज में पूजा का, सॉरी पूजा यहां पे सेलेक्ट कर रहा है ना, पूजा का टोटल क्या है। लेकिन मुझे यहां पे पूजा प्लस कविता का टोटल चाहिए, तो आपको यहां पे दो समिफ को लगा के प्लस करने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा सम इफ, और इसमें मैं अपना रेंज दे दूंगा कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में मैं इन्वर्टेड कॉमा में पूजा कॉमा, फिर सम में हम इसको ले लेंगे, और फिर हम इसको एंटर मारेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। कोई डाउट आप लोगों को? जितेंद्र जी, विजय जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो इस तरह से अलग अलग टोटल कर सकते हैं आप। लेकिन ये तो हो गया, ठीक है, मुझे यहाँ पे टोटल जो है निकालना है, यहाँ पे निकालना है पूजा का, और यहाँ पे निकालना है मुझे टीना का, अलग अलग निकालना है, एक जगह प्लस करना है, तो जब हमने कर लिया यहाँ, नहीं यहाँ पे रिजल्ट गलत आया, मुझे यहाँ पे वापस सम के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन है तो कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए, रिजल्ट हमारा आएगा। लेकिन मुझे अलग अलग चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सम इफ, हमने रेंज दे दिया और कर्ली ब्रैकेट में हम देते हैं यहां पे पूजा कॉमा, को क्लोज करते हैं यहां पे कॉमा, सम जिसका करना है उसका पाथ ले लेते हैं, लेकिन एक ही आया, लेकिन मैंने गलती कर दी क्योंकि हमने एक ही सेल सेलेक्ट किया था, हमें लगाने के दो सेल सेलेक्ट करना होगा, और नॉर्मल एंटर के जगह पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, तो दोनों पे फॉर्मूला हमारा अप्लीकेबल हो जाएगा, हमें एक ही बार लगाना है और दोनों पे फॉर्मूला अप्लीकेबल। तो इस तरह की चीजें आप, इसमें बात आती है कि और कितने एग्जांपल हो सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को मैं अभी तक कोई बुक प्रोवाइड नहीं किया, राइट?
हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बुक में आपका बहुत एग्जाम्पल दिया हुआ है। ईमेल आईडी CA Deepak Pathak Jitendra ये हमने आपको मेल कर दिया। इस बुक जब आप ओपन करेंगे तो इस बुक का चैप्टर नंबर इस बुक का चैप्टर नंबर पार्ट फोर एंड चैप्टर नंबर 14 आते हैं ना, एरर फॉर्मूला 367 पेज जो है, इस पेज पे वो चैप्टर है जिसमें एरे के बहुत अच्छे एग्जांपल बताए गए हैं। इसमें आपको एरे के बहुत सारे नाम नंबर आपको भेज दें, पूछ लीजिएगा। आज तो हम काम स्टार्ट किए थे, काम कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। अभी इतना इस बारिश के मौसम में आए हुए थे, काम करवा देंगे। सॉरी सर, थोड़ा सा गेट भी आया था। तो इस एरे के चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें छोटे से बड़े एग्जांपल दिए गए हैं। इस एग्जांपल को एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर हम आपको अगली क्लास में और एग्जांपल बताएंगे, ठीक है सर। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग तो मोस्टली आप लोगों ने कर लिया, फिर भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग
थोड़ी देर में आपको शेयर कर देता हूं। कोई डाउट या क्वेश्चन किसी के पास है तो वो पूछ सकते हैं। नो सर। नहीं, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम। इस बुक को एक बार स्टडी कर लीजिएगा।